हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका 2 का मिसलेनियस समझेंगे एनसीईआरटी बुक में। क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोबिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहा जा रहा है वैल्यू फाइंड। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस ये 13π/6 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो इसको इस तरीके से तोड़ेंगे 2π + π/6 और अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13π/6 ही आएगा। अब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस तो 260, तो 260 प्लस थीटा, 2π + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा समझे पाई बाय सिक्स। अब कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल तो क्या आ जाएगा, पाई बाय सिक्स, ये हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड है, क्या ना गिवन है टैन इनवर्स इनटू टैन 7π/6, इसको सॉल्व करना है, ए भी उसी प्रकार सॉल्व होगा, तो क्या कर सकते हैं टैन इनवर्स टैन और 7π/6, तो 7π/6 को दो पार्ट में तोड़ने के लिए पहले पाई प्लस पाई बाई सिक्स, इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ेंगे, वापस ऐड करेंगे क्या आएगा 7π/6 और ये कह लिए, और एक टैन इनवर्स टैन 180 मतलब पाई प्लस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या होता है टैन थीटा, थीटा मतलब पाई बाय सिक्स, टैन इनवर्स टैन कैंसिल क्या आ जाएगा पाई बाय सिक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड। थर्ड में क्या करा, 2 sin inverse 3/5 और इक्वल टू टैन इनवर्स 24/7, ए कहा जा रहा है एल एच इक्वल टू आर एच दिखाने के लिए, तो 2 sin inverse एक्स समझ कर ए सूत्र होता है 2 tan में, हाँ क्या आ गया साइन, तो एल एच एस चल दो और ए 2 sin inverse 3/5, तो 2 sin inverse 3/5 को कहा जा रहा है एक चीज, एक प्रूफ कीजिए, तो ये प्रूफ में क्या ना साइन का सूत्र नहीं होता है, किसका होता है टैन का, ये फॉर्मूला होता है, तो ये साइन को चेंज कर देंगे टैन में, तो साइन को टैन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन का सूत्र क्या होता है पी बाई एच, बी फाइंड करो तो 4 आएगा, 2 साइन को चेंज कर दो टैन में, तो टैन इनवर्स टैन का क्या होता है फॉर्मूला पी by b b, तो 2 tan inverse x, तो 2 tan inverse है, एक फॉर्मूला यूज कर लो, तो क्या आ जाएगा tan inverse 2x, 2x by में 1 - x² ये आ गया, तो ये हो जाएगा tan inverse और एक कैंसिल हो गया तो 2, तो 3/2 और -1 - स्क्वायर 9 और ए 16, तो टैन इनवर्स तो ए आ जाएगा 3/2 और एलसीएम 16, तो ए 16 - 9, अब ए 2 से कैंसिल हो जाएगा 8, तो टैन इनवर्स और 8 × 3 = 24 और 16 - 9 क्या आ जाएगा 7, ये हो गया प्रूफ, तो LHS = RHS। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फोर। फोर में क्या कराना, ए गिवन है और करा LHS = RHS दिखाया, तो हम लोग चल देंगे LHS। LHS में क्या है sin inverse 8/17 + sin inverse 3/5 और इसको कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए, तो समझ लो एक्स और इसको बाई, तो sin इनवर्स 1 + sin inverse 2 ए सूत्र होता है, हम लोग यूज कर लेंगे, तो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा sin inverse x √x √1 - y² तो y क्या हो जाएगा 3/5 के होल स्क्वायर प्लस y 3/5 √1 - x² 8/17 का होल स्क्वायर, तो इस साइन इनवर्स 8/17 √1 - 9/25 प्लस में 3/5 √1 - 64 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, 289 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो साइन इनवर्स 8/17 LCM लो 25 तो 25 और -9
और प्लस में 3/5 अंडर रूट एलसीएम लेंगे 289 तो 289 माइनस में 64 और यहां लिख लेते हैं ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 16/25 और प्लस 3/5 अंडर रूट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 2 और ए मिल जाएगा यहाँ पे 5 2 2 और 225 और 289 ए आएगा तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 225/289 साइन इनवर्स 8 यहाँ पे 4 8/17 इंटू में ए आ जाएगा 4/5 और प्लस में 3/5 इंटू 15/17 साइन इनवर्स ये क्या आ जाएगा 84 और ए आ जाएगा 7 × 5 तो 85 और ए आ जाएगा 45/85 और 85 ये आ गया अब इसको 15 × 3 तो 45 और ये आ जाएगा 45 और 80 अब ए एलसीएम लो साइन इनवर्स क्या एलसीएम हो जाएगा 85 और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 77 ये आ गया आंसर क्या में साइन में हम लोग को प्रूफ करनी थी किस में टेन में तो ए साइन में आ गया तो इसको टेन में बदल दो कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर तो साइन का सूत्र क्या होता पी बाई एच एच मतलब 85 बी फाइंड करेंगे तो बी फाइंड करेंगे क्या आएगा 36 आ जाएगा बी कैसे फाइंड करेंगे एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 35 और ए साइन को चेंज कर दो टेन में तो टेन इनवर्स क्या सूत्र था पी 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 अब बाई एच बी बी ये हो गया प्रूफ ए तो प्रूफ करना था ए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5 में क्या कर रहा है LHS इक्वल टू RHS LHS में क्या गिवन है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 और ये कह रहा है LHS इक्वल टू RHS तो LHS इक्वल टू RHS दिखाने के लिए ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स x इनटू में बाय और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4/5 के होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाय 12/13 के होल स्क्वायर ये आ गया अब ये लिख लो कॉस इनवर्स और इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 48 और ये आ जाएगा 65 और माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 825 और इनटू में 1 माइनस इसका 14 और ए आ जाएगा 144 और ए 1 माइनस और 13 का स्क्वायर 169 अब इसको सॉल्व कर ले तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस एलसीएम लो कितना 25 माइनस 16 तो ये 25 माइनस 16 अंडर रूट और 169 तो 169 माइनस में 144 ये सॉल्व कर लो तो मिल जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 और माइनस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 अंडर रूट 9/25 और इनटू अंडर रूट 25/169 तो कॉस इनवर्स तो 48/65 माइनस 9 का रूट 3 और रूट 5 25 का रूट 5 इनटू 25 का रूट 5 और 160 का रूट क्या हो जाएगा 13 तो कॉस इनवर्स 48/16 5 माइनस ए मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 × 5 15
और 13 इंटू 5 65, कॉस इनवर्स एलसीएम लो 65, तो ये क्या आ जाएगा 48 माइनस 15, कॉस इनवर्स सबट्रैक्ट करेंगे 33 बाय 65, ये हो गया प्रूफ। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी करा LH is equal to RH। LH में क्या गिवन है, cos inverse 12/13 प्लस में sin inverse 3/5 ए गिवन है। करा LH is equal to RH, तो एक cos inverse यहां sin inverse, तो ये दो फार्मूला किस में होता है, या तो दोनों sin में हो या दोनों cos में, ये दोनों को चेंज कर दो किस में, साइन में। क्यों, प्रूफ किस में करनी है, साइन में, इसलिए इसको चेंज कर दो साइन में। तो कॉस को साइन में चेंज करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो कॉस के सूत्र क्या होता है, बी बाई एच, पी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 5, तो साइन इनवर्स पी बाई एच प्लस में साइन इनवर्स 3/5। अब ए साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई ए यूज कर लेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर 3/5, इसका स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे 9/25। अब 25 प्लस प्लस अब बाई 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। अभी चल दो साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट एलसीएम लो 25, तो 25 माइनस 9 और प्लस 3/5 अंडर रूट 169। एलसीएम हो जाएगा 169, तो 169 माइनस 25 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट, अब 625 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 16/25 और प्लस प्लस 3/5 अंडर रूट अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144/169 साइन इनवर्स 5/13 इंटू 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5 प्लस 3/5 इंटू 144 का रूट क्या हो जाएगा 160 का रूट 30 साइन इनवर्स और इस 4 into 5 20 और 13 into 5 65 प्लस 3 into 12 36 और 13 into 5 65 साइन इनवर्स, अब एलसीएम लो क्या 65, तो 32 प्लस में 36, अब ऐड करेंगे साइन इनवर्स तो 6 और 25 56/65 6 और प्लस 0 क्या 6 2 प्लस 3 प्लस 2 5/65 ये प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। 7 में क्या करा है, LH is equal to RH दिखाया, तो हम लोग चल देंगे इसमें RHS क्या गिवन है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कॉस इनवर्स 3/5। अभी साइन इनवर्स ये दोनों साइन में, साइन कॉस में, और प्रूफ किस में करनी है, टैन में, और ये या तो दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में या दोनों टैन में, तो सूत्र बन सकता है। तो प्रूफ करनी है साइन में, तो दोनों को टैन में, तो दोनों साइन और कॉस को चेंज कर दो क्या में, टैन में, तो एक टैन में चेंज करेंगे, तो इस कॉस साइन को टैन में चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। कॉस को भी चेंज करने के लिए टैन में क्या चेंज करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। अब साइन का सूत्र क्या होता है, पी बाई एच, बी फाइंड करेंगे 12 आएगा, कॉस कॉस का फॉर्मूला क्या, बी बाई एच और पी निकालेंगे तो क्या आएगा 4, आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 4। टैन इनवर्स पी
बाई बी प्लस में टैन इनवर्स पी बाई बी। अब ए यूज कह लो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई एक फॉर्मूला से, तो ये बन जाएगा तो टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। टैन इनवर्स एलसीएम लो या दो, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 36 और ए मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 5 और 15 और प्लस प्लस 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा 48 बाई एलसीएम लो यहाँ पे 12 और 6 12 इंटू 3 36 और ए 36 इंटू 1 36 माइनस 5 इंटू 4 20 एलसीएम एलसीएम कैंसिल क्या गया टेन इनवर्स इसको ऐड करे तो 5 और 8 13 और 4 और 1 5 और 1 6 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 1 ये आ गया। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, ये आ गया क्या एलएचएस क्वेश्चन नंबर 7। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे, एक कर रहा है ना टेन इनवर्स 1 बाय 5 टेन इनवर्स 1 बाय 7 टेन इनवर्स 1 बाय 3 टेन इनवर्स 1 बाय 8 इक्वल टू पाई बाय 4 ए प्रूफ करो। तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 और 4 टर्म है, तो चल दो एलएचएस। तो एलएचएस में क्या ना इसको समझ लो टेन इनवर्स एक्स और प्लस में टेन इनवर्स वाई और एक टर्म समझ लो और प्लस में और ए चल देंगे टेन इनवर्स 1 एक्स और प्लस में टेन इनवर्स बाय। इसमें दो और दो का करके पेयर करके हम लोग ए सूत्र ए फॉर्मूला यूज कह लो, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस में बाय बाय वन माइनस में एक्स इंटू बाय प्लस। फिर ए फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से टेन इनवर्स एक्स मतलब 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 8 बाई 1 माइनस एक्स इंटू में बाई ए यूज कह ले। अब इसको सॉल्व कह लो तो टेन इनवर्स तो ए ना यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 25 था, 5 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा 35 ए आ गया। तो 7 इंटू 1 7 प्लस 5 इंटू 1 5 और इसका एलसीएम भी 35 ही आ जाएगा। तो यहाँ 35 माइनस में 1 प्लस में टेन इनवर्स सेम रूल यहाँ एलसीएम 8 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 24 तो 8 इंटू 1 8 3 इंटू 1 3 और यहाँ भी एलसीएम क्या आ जाएगा 24 24 इंटू 1 24 माइनस 1 इंटू 1 1 एक कर दे एलसीएम एलसीएम कैंसिल एलसीएम एलसीएम कैंसिल क्या गया टेन इनवर्स और इसको ऐड करें तो 12 और ये ऐड करेंगे तो 34 प्लस में टेन इनवर्स ये ऐड करें तो 11 और ये आ जाएगा 11 और बाई में 23 तो ये सब एक कट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कट करेंगे तो ए आ जाएगा 6 और ए आ जाएगा 17 तो 6 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 12 और 17 इंटू 2 34 तो 2 से कट जाएगा और 6 और 2 से 17 ए आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स 6 बाई 17 प्लस टेन इनवर्स 11 बाई 23। अब फिर से यूज कह लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो tan इनवर्स x 6 बाय 17 और प्लस में 11 बाय 23 अब y 1 माइनस x मतलब आपका 6 बाय 17 इंटू 11 बाय 23। अब एक टेन इनवर्स एलसीएम एलसीएम लो तब यहाँ पे ना एलसीएम ए इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 17 इंटू और 23।
अब 17 इंटू 23 तो ये 23 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 391। अब 23 इंटू 6, 23 इंटू 6 एड मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 160। और प्लस प्लस और 17 इंटू 11 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 187 ये आ जाएगा। और बाय अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लीकेशन कर एलसीएम लेंगे 391 आ जाएगा, ये आ गया। अब 391 और माइनस 6 इंटू 11 66 एक कैंसिल हो गया। और ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, इसको रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते तो ये हम लोग रफ कह लेते हैं। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करेंगे 5 और 6 तो इसको ऐड करेंगे तो ये 325 आ जाएगा, और सॉरी 325 इसको ऐड करो तो 325 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 325 आ रहा है। और ये क्या दे अब इसको ना सब्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, ये कैंसिल आ जाएगा तो tan इनवर्स क्या मिल गया 1। तो tan इनवर्स 1 तो tan कितना डिग्री का वैल्यू चेक करो 45 का डिग्री क्या होता है पाई बाई 4, ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे 9 में क्या करना है, एक करा इसमें सॉल्व कीजिए और एक करा प्रूफ कीजिए LHS कर दो RHS। तो पहले ना 2 को ए साथ मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस में एक्स, ये आ गया। अब LHS चल दो, LHS में क्या है 2 tan इनवर्स रूट एक्स, 2 tan इनवर्स इसको समझ लो x, तो 2 tan इनवर्स x ए फॉर्मूला यूज कर लो, ए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x, तो x तो रूट x का स्क्वायर बाय 1 प्लस x, x का स्क्वायर तो आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर का रूट कैंसिल तो x 1 पर स्क्वायर का रूट कैंसिल तो x, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10। ए करा LHS इक्वल टू RA दिखाए, तो LHS बराबर RA दिखाना बहुत सिंपल है, ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझना होगा। और ये क्या कराना cot inverse, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, और ए cot inverse अंडर रूट 1 प्लस में sin x और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में sin x बाई अंडर रूट 1 प्लस में sin x माइनस अंडर रूट 1 माइनस में sin x। अभी करा इतना इजकल टू पाई बाई एक्स बाई टू, एक प्रूफ करो तो इसको चल देंगे LHS और LHS। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लो रेशनलाइज कह लेंगे, तो ए रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज नीचे वाले टर्म का डिनोमिनेटर करेंगे, इसका रेशनलाइज क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और सॉरी प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और ये क्या कह रहे रेशनलाइज कह ले। अब इसको सॉल्व कह लो cot इनवर्स a प्लस बी इंटू ए प्लस में b दोनों सेम था, इस टर्म को a और इस टर्म को b लेट कर दिए तो ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के क्या हॉल स्क्वायर कर दीजिए, इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो क्या ए प्लस बी के हॉल स्क्वायर। अब ए टर्म को समझो ए टर्म को बी तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर तो 1 प्लस में साइन एक्स स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो cot इनवर्स a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ दो तो स्क्वायर a स्क्वायर स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल 1 प्लस में sin x प्लस इसका स्क्वायर b स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल 1 माइनस में sin x प्लस प्लस 2 a 1 प्लस में sin x इनटू b
बी वन माइनस में साइन एक्स ये आ गया भाई, इसका स्क्वायर करने रूट कैंसिल, वन प्लस में क्या आ जाएगा साइन एक्स, और माइनस माइनस इसके स्क्वायर का रूट कैंसिल, वन माइनस में क्या आ जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पे लिख ले हम लोग क्या ना, इसमें साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स वन वन क्या आ जाएगा टू, और प्लस प्लस टू टू अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर बाई बाई, अब माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा टू साइन एक्स, कॉट इनवर्स टू प्लस में टू, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल डायरेक्ट कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स, कॉट इनवर्स टू कॉमन है टू कॉमन लो तो क्या बचेगा वन प्लस में कॉस एक्स बाई में टू साइन एक्स, टू टू कैंसिल ये आ जाएगा कॉट इनवर्स वन प्लस में कॉस एक्स बाई में साइन एक्स, कॉट इनवर्स तो वन प्लस कॉस एक्स फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, टू टू कैंसिल एक कॉस कैंसिल, कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स बाय टू, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल क्या आ जाएगा एक्स बाय टू, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तो सिंपल ही था, क्या किया गया इसका हम लोग रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज करने पर ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिए, फिर इसको ना फॉर्मूला होल स्क्वायर तोड़ दिया गया और इसको स्क्वायर का रूट कैंसिल कर दिया, इसको देखे तो ए आ गया, अब ए रहने दिए और इसका फॉर्मूला होता है कॉस, कॉस कर दिए, दो दो कॉमन टू कॉमन लेके कैंसिल कर दिए तो आ गया ए, ए जो बच गया टर्म ओवर लिख दिए, इसका फॉर्मूला होता है यूज कर दिए, इसका भी फॉर्मूला यूज कर लिए, कॉस कॉस कट गया वन कॉस वन साइन कॉट 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 कैंसिल एक्स बाई टू, तो यही क्वेश्चन था। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 समझो, एक कराना एल एच एस बराबर एक प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ करना सिंपल है, तो इसको प्रूफ करने के लिए एल एच एस चलना होगा, और ये क्या करा टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई अंडर रूट वन प्लस में एक्स प्लस में अंडर रूट वन माइनस सिक्स ए गिवन है, इसका इसको सॉल्व एल एच इसकल टू आई दिखाने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा रेशनलाइज, इसका रेशनलाइज करते रेशनलाइज चलेंगे तो क्या ना डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करो वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स हो गया। अब ए लिख लो टैन इनवर्स a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स के होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, अगले इस फॉर्मूले क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम है, और a हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कारण रूट कैंसिल प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर का रूट कैंसिल माइनस टू ए ए ए बी बी आ गया बाय स्क्वायर का रूट कैंसिल वन प्लस एक्स माइनस माइनस स्क्वायर का रूट कैंसिल वन माइनस में एक्स, अब एक्स एक्स कैंसिल तो ये हम लोग यहां से लिख लो तो क्या ना टैन इनवर्स tan इनवर्स वन वन क्या जाएगा टू माइनस टू माइनस टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या जाएगा अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए माइनस वन प्लस वन माइनस माइनस प्लस एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स ए आ गया।
ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 कॉमन है तो ए मिल जाएगा 1 और माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2x, 2 कैंसिल ए कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाय और ए आ गया x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिया, अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू क्या पुट करना होगा साइन थीटा, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई और x के जगह पे क्या पुट कर लो साइन थीटा ठीक है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल डायरेक्ट कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहां से हम लोगों को रफ करना पड़े, क्या रफ कर सकते हैं और ए रफ कह लेते हैं तो लो तो ए मिल जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल 1 साइन कैंसिल tan इनवर्स 1 साइन 1 कॉस क्या tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan कैंसिल क्या लिख सकते हैं थीटा बाई 2 और ये आ गया थीटा बाई 2, 2 को रहने दो, थीटा का वैल्यू पुट कर दो, थीटा को क्या लेट कर चुके साइन ए आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन को एल एच तरफ लाएंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा थीटा, तो थीटा का वैल्यू रख दो साइन इनवर्स एक्स और ये आ गया 1/2। अब ए आंसर साइन इनवर्स एक्स बाय 2 रिजल्ट कर दिया गिवन है क्या में कॉस में, तो इस तरह का हम लोग क्वेश्चन में क्या ना अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हम लोग सभी जानते क्या होता है पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स, कॉस को आगे तरफ ले गए तो साइन को चेंज करनी है कॉस में तो क्या लिख देंगे पाई बाय 2 और माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन को चेंज कर दे कॉस में। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो पाई बाई 4 और ए हो जाएगा माइनस में 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ए हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर समझो टू बेल में क्या करना कि ए करा सॉल्व के, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो ना 9 पाई बाई 8 को रहने दो इक्वल टू माइनस वाला टर्म को आगे तरफ करेंगे तो 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ये आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे 9π/8 इक्वल टू 9/4 9/4 कॉमन लो तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3 और प्लस साइन इनवर्स 2√2/3 ये आ गया। अभी 9 कैंसिल और ये आ जाएगा 2 तो क्या मिल गया पाई बाई 2 इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ए मिल जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 और प्लस साइन इनवर्स 2√2/3 और इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज कर लो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2 कब जब दोनों का एंगल नंबर सेम होता है तब, तो प्रूफ क्या करनी है पाई बाई 2, जब प्रूफ पाई बाई 2 करनी है तो नहीं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई फॉर्मूला चलकर क्या प्रूफ करना पाई बाई 2, अगर ए पाई बाई 2 प्रूफ करने तो साइन को चेंज कर दो क्या में कॉस में, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, बी फाइंड करेंगे क्या आएगा 1, पी बाई एच बी फाइंड करेंगे क्या आएगा 1, तो ए क्या हो जाएगा ना पाई बाई 2 अपर इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 प्लस इस साइन को किस में चेंज करनी है कॉस में, तो ये लिख दो कॉस इनवर्स, फॉर्मूला क्या होता है पी बी पी बाई में एच, एच क्या 3,
तो एक पाई बाई टू इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/2, दोनों का नंबर क्या सेम है, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा पाई बाई टू इस फॉर्मूला से। ये हो गया प्रोटीन LH इक्वल टू RS, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13। ये क्या करना है, LH इक्वल टू RS दिया हुआ और कह रहा है इसमें x का वैल्यू फाइंड करो। तो 2 tan इनवर्स, इसको समझ लो x, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला यूज कर दो। क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, tan इनवर्स 2x / 1 माइनस में x स्क्वायर। तो ये हम लोग यूज कर दिए 2 tan इनवर्स, इसको s लेट कर दे x, तो 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x / 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, tan इनवर्स कैंसिल, ये क्या मिल जाएगा 2 by cos x by 1 minus sin cos square x, तो 1 minus cos square x क्या होता है sin square x equal to 2 और ये रह जाएगा cosec x, 2 2 कैंसिल, ते मिल जाएगा cos x by sin square x equal to cosec का उल्टा क्या होना 1 by sin x, तो 1 sin cancel, तो क्या मिल गया 1 sin 1 1 cos 1 sin, तो cot x is equal to 1। तो हो जाएगा cot को इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा cot inverse 1, तो cot को आगे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cot inverse 1 x is equal to, तो cot cot कितना डिग्री का वैल्यू चेक करो 1, तो 45 डिग्री का रेडियस क्या पाई बाय 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा पाई बाय 4। ये होगा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14। इसमें भी कहा जा रहा है x का वैल्यू फाइंड, इसका x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2 tan इनवर्स 1 minus x / 1 plus x इसका 2 क्या हो जाएगा tan इनवर्स x आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लो, क्या ना 2 tan, इसको समझ लो x, तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x 2x / 1 minus x स्क्वायर 1 minus x / 1 plus x की होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा 2 1 minus x by 1 plus x by 1 a minus a square दोनों पे जाएगा, तो 1 minus x की होल स्क्वायर 1 plus x की होल स्क्वायर equal to x equal to x, और यहाँ इस कह लो तो क्या हो जाएगा 2 1 minus x by 1 plus में x, एलसीएम लो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या जाएगा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर 1 प्लस के होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स एक कर जाएगा 2 1 माइनस में x, ए वाला टर्म ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में x बटा a प्लस b की होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस में 2ab अ माइनस a माइनस b की होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू x, a माइनस b की होल स्क्वायर a स्क्वायर और a माइनस b इनटू a प्लस b, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 2x इक्वल टू x, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल और ये आ गया, अभी बच गया 2 2 और 2 1 माइनस में x स्क्वायर 2x और 2x क्या जाएगा 4x इक्वल टू x, तो a भी कैंसिल हो जाएगा और a बच गया टर्म, इस टर्म को यहां से रफ कह लेते हैं, ये रफ कह ले, अब देखो
तो ये क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर 1, ये आकर इधर ऐड हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, 3 को डिवाइड करो 1 बाय 3 एक्स स्क्वायर, आर एच एस को एल एच एस कर दो और एल एच एस को आर एच एस, स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस में 1 बाय रूट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा ना साइन इनवर्स टैन इनवर्स एक्स बराबर, इसमें से क्या होगा इसका, इसके बराबर जरा बताओ ऑप्शन, इसको सॉल्व करने के लिए हाँ साइन है यहाँ क्या टैन है, इस टैन को बदल दो साइन में, वो कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर। तो साइन टैन का फॉर्मूला क्या होता है ना, हम लोग सभी जानते हैं फॉर्मूला पी अबाई बी, बी कुछ नहीं तो क्या है 1, और अब एच निकालो तो एच निकालेंगे 1 मतलब बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए हो जाएगा साइन इनवर्स, इस टैन को चेंज करना है किस में, साइन में, तो साइन इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है साइन का, पी अबाई एच 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल क्या जाएगा एक्स अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16, 16 में क्या करना है, इसमें कर रहा है एक्स का वैल्यू जरा बताओ, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये माइनस टर्म इधर लाओ तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब साइन इनवर्स को आगे तरफ लाएंगे तो 1 माइनस एक्स बराबर साइन और साइन पाई बाई 2 और माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया तो मिल जाएगा 1 माइनस एक्स इजकल टू साइन 90 माइनस थीटा, इसको समझो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस cos theta 2 sin inverse x, ये आ गया। अब यहां से सॉल्व करने के लिए लेट कह लेंगे sin inverse x को लेट करो a, तो क्या आ जाएगा ना x इक्वल टू sin a, ये आ गया। अब यहां से हो जाएगा 1 minus x इक्वल टू cos 2, 2 इसको क्या लेट कर चुके हैं a, तो ये आ जाएगा और यहां रख लो तो 1 minus x इक्वल टू cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos sin में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, ये कह ले cos 2a, cos 2a का सूत्र कह ले 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, तो 1 माइनस x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin x, sin a क्या ना x, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा इधर तो प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, दोनों में क्या कॉमन x, तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 बाय 2, ये हो गया वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0 और हाफ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो ये करा इसको बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करना सिंपल है, टैन इनवर्स और एक्स बाई बाई रहने दो माइनस में और टैन इनवर्स ए रहने दो, अब यहाँ पे क्या कह लो ना इसमें और एक्स माइनस में बाई और ये क्या हो जाएगा ना, इसको एक्स प्लस बाई को ऐसे लिख सकते हैं बाई प्लस में एस क्यों नहीं, और यहाँ पे एक्स प्लस में बाई रहने दो, और अब इसमें क्या ना इसमें बाई डिवाइड कह लो तो बाई सब में डिवाइड कह लो और ए बाई डिवाइड कह ले, तो क्या जाएगा ना टैन इनवर्स और एक्स बटा बाई और माइनस टैन इनवर्स और ए क्या मिल जाएगा यहाँ पे एक्स बटा बाई और माइनस ए कट जाएगा तो वन बटा और एक्स प्लस में बाई और प्लस में बाई बाई कैंसिल वन, ये आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स बटा बाई और माइनस टैन इनवर्स ये ना एक्स बटा बाई और माइनस में वन, अब ये वाला टर्म को आगे प्लस में है तो पहले वन को लिख दे फिर क्या ना एक्स बाई को लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे वन छिपा रहता है तो कोई फर्क नहीं, वन इंटू समथिंग करे तो क्या आएगा एक्स प्लस बाई आएगा, अब ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स बटा एक्स बाई बाई और माइनस में, अब यहाँ से फॉर्मूला देखे तो ये फॉर्मूला मैच कर गया, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स बाई क्या होता है टैन इनवर्स एक्स माइनस बाई वन प्लस में एक्स बाई,
इसको x समझो, इस टर्म को y, अब y 1 plus x into y, a फॉर्मूला से तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, अब माइनस माइनस में tan इनवर्स में y, y 1 और a कैरी। अब देखो a प्लस में और a माइनस में, एक कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में tan इनवर्स 1, तो tan 1 कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री का वेरिएशन क्या पाई बाय 4, ये हो गया आंसर ना। ये क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें सी। ये आपका एक्सरसाइज 2 का मिसलेनियस समाप्त हुआ, हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में मैट्रिक्स में। थैंक यू ऑल डे, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में।